देखिए आंटी जी जो है जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, कभी भी कोई सांप निकला हो या कोई जानवर गिरा तो इन्होंने हमको बताया कि भैया आ जाइए उसको बचा लीजिए आप। तो हम बचाने वाले तो हम कोई है नहीं, हम तो छोटा सा काम करते हैं कि हमारे पास जानकारी है और जानकारी की वजह से हम इसको छू ले रहे हैं, क्योंकि आप भी अगर जानकार हो जाएंगे तो आप भी मारेंगे नहीं, आराम से समझ जाएंगे। नहीं भैया, हम लोग शिव गुरु का पूजा करते हैं। देखिए आंटी जी, शिव चर्चा करते हैं, हम लोग गाना गाते हैं। देखिए आंटी जी शिव भक्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि आंटी जी आप कुछ शिव हम गाना गाते दूर करिए ना, डर लग रहा है ना, शिव गुरु का है। सुनाइए सुनाइए। अरे आंगन में गेहूं न सपवा हो, हम कैसे के मारी, कैसे के मारी हो, कैसे के मारी। सही बात है। आंगन में गेहूं न सपवा हो, हम कैसे के मारी, सासु कहे मार दे, ससुर कहे मार दे, लाजवाब लाजवाब। हम कही सासु का मार दे, ससुर का मार दे, मार दे। अरे पहरे भाई ज्ञान के कंगनवा हो, हम कैसे के मारी, पहरे भाई ज्ञान के कंगनवा हो, हम कैसे के मारी, गोतिन कहे मार दे, गोतिनिया कहे मार दे, पहरे भाई ज्ञान के कंगनवा हो, हम कैसे के मारी। सही भाई, ताली बजा दीजिए उनके लिए, ताली बजा दीजिए। देखिए आप जिस प्रकार शिव गुरु बोल के रक्षा किए हैं, तो हम चाहते हैं कि चिड़िया कबूतर हर जीव का उसी तरह सम्मान दीजिए, उसको शिव गुरु की तरह ही मानिए, क्योंकि शिव का मतलब केवल सांपे से नहीं है, एक चींटी भी है तो वो शिव का ही अंश है, पेड़ है, चिड़िया है, तो सबको शिव गुरु समझ के उसकी रक्षा कीजिए। बस आपसे इतना ही अनुरोध है। ठीक है, धन्यवाद बाबू, रख।